दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल तो बाद कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी ने दिता बयान। भारतीय करंसी के नोटा ते होवे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की तस्वीर। सांसद मनीष तिवारी के वालों नोटा से भीम राव अंबेडकर की फोटो लगाने वाले बयान का बीजेपी लीडर राजकुमार अंबेडकर ने किया समर्थन। उन्होंने कहा कि यह मांग जायज है, जे RBI की स्थापना अंबेडकर साहिब ने की है तो फिर उन्होंने तस्वीर नोटा से लगानी सही है। आम आदमी पार्टी के रोपड़ तो विधायक दिनेश चड्डा ने रोपड़ म्यूनसीपल कमेटी दफ्तर जाके लोगों वालों दर्ज करवाईया गई शिकायतों वाले रजिस्टर की की जांच। लोगों के नाल फोन से गलबात करके मुश्किलों का भी किया निपटारा। अफसर की भी लगाएगी क्लास। अमृतसर विखे मंजी साहिब दीवान हाल विखे पंजा साहिब साका की 100 साल बरसी के समागम करवाए जा रहे हैं। इन्होंने समागमों च संगत दूरों दूरों पहुँच रहे हैं। इस समागम के श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी उचेचे तौर पर पहुंचे। लुधियाना के एक स्कूल करवाए सभ्याचारक प्रोग्राम के शिरकत करने आए कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर ने नोटा से लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगाने की मांग का किया समर्थन। कहा इस कुछ गलत नहीं है, इंडोनेशिया वर्गे मुस्लिम देश के जे नोटा से हिंदू देवी देवत्या की फोटो लग सकती है तो भारत के क्यों नहीं। बठिंडा के सरकारी हस्पताल के बाहर नशे के दुत नौजवान की वीडियो हुई वायरल। हस्पताल के डॉक्टर मौजूद होने के बावजूद भी किसी ने नहीं ली नौजवान की सार। सड़क से जा रहे रागीर ने बनाई वीडियो। नशे के दुत नौजवान हस्पताल के बाहर सड़क से बेसुध हालत के बैठा आ रहा है नज़र। अमृतसर विखे राम तीर्थ रोड से वापरिया सड़क हादसा। ट्रक ते तेज रफ्तार कार की हुई भयानक टक्कर। कार दे विच सवार 4 नौजवानों दे विचों एक की हुई मौत, 3 नौजवान हुए जख्मी। ट्रक के अंदर जा वड़ी कार। पुलिस ने कार की छत नूं कट के बाहर कढ़े नौजवान। सीबीआई कोर्ट मोहाली ने 1993 के एक होर एनकाउंटर केस नूं दिता फर्जी करार। अदालत ने 2 साबका पुलिस अधिकारियों शमशेर सिंह ते जगतार सिंह नूं दोषी करार दिता है। सीबीआई की अदालत ने तरन तारण के 30 साल पुराने पुलिस मुकाबले का फैसला सुनाया, जिस दे विच एक हरबंस सिंह वासी ओबेकी और एक अनपछाते खाड़कू नूं पुलिस की गोलीबारी दौरान मारिया गया दिखाया गया सी। अमृतसर की सेंट्रल जेल के मेडिकल अफसर रविंदर सिंह गिरफ्तार। जेल के कैदियों को चिट्टा सप्लाई करने के लगे दोष। पिछले 1.5 साल तो जेल के सन तैनात अधिकारी ने रंगे हत्थी 194 ग्राम हीरोइन सने किया गिरफ्तार। अमृतसर जेल के तैनात मेडिकल अफसर दविंदर सिंह ते जेल प्रशासन नूं सी शक। लंबे समय तो पुलिस वल्लों रखी जा रही सी दविंदर ते नज़र। बीती रात पुलिस अधिकारियों ने ट्रैप लगा के किया रंगे हत्थी काबू। गिरफ्तार करके SDF दे किया हवाले। कांग्रेस के नवे प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भंग। इसकी थां ते 47 मैंबरी स्टीयरिंग कमेटी बनाई। इस कमेटी के साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी किया गया शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वीरवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानगी हेठ बुलाएगी राज्यों के गृह मंत्रियों के नाल बैठक के हिस्सा लिया। बुधवार को मुख्यमंत्री दफ्तर के वालों दसया गया कि हरियाणा के फरीदाबाद के बुलाएगी इस अहम बैठक के योगी भी हिस्सा लेंगे। ध्यानयोग है कि योगी उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के भी इंचार्ज ने। दिल्ली महिला कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह नूं पैरोल देन ते हरियाणा सरकार ते चुटकी लैंदे कहा कि राम रहीम बलात्कारी ते कातल है। अदालत दे वल्लों उस नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, पर हरियाणा सरकार उस नूं जदों चाहे पैरोल दे दिंदी है। उह सत्संग कर रहा है ते हरियाणा सरकार दे डिप्टी स्पीकर ते मेयर इन्हां प्रोग्रामां दे विच हिस्सा भी लै रहे ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह नूं मिली पैरोल ते मीडिया दे नाल गलबात करदिआं कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहुंदा, इस दे विच मेरी कोई भूमिका नहीं है। अदालतां कैद दा ऐलान करदिआं हन अते दोषी जेल जांदा है, उस तों बाद जेल दे नियम सारे कैदियां ते लागू हुंदे ने। दिवाली तो बाद मल्लिकार्जुन खड़गे दे पार्टी प्रधान दे तौर ते अहुदा संभालण दे बाद 3 दिनां दे ब्रेक तो बाद तेलंगाना दे नारायणपेट जिले दे मकतल तो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा अज फिर तो शुरू हुई है। सड़कों ते उतरिया सैलाब। सैनिकां ने पुंछ दे विच महिलावां दे नाल मनाया भाई दूज का त्यौहार। त्यौहार दे विच महिलावां ने लगाया फौजी भरावां दे तिलक। इंडियन इन्फेंट्री दे हर साल 27 अक्तूबर नूं उन्हां सैनिकां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई मनाया जांदा है जिन्हां ने देश दे लई लड़िया अते ड्यूटी दी लाइन दे विच अपनियां जानां निशावर कीतियां ने। इस साल भी 27 अक्तूबर नूं 76वें इन्फेंट्री दिवस नूं मनाउण दे लई 4 बाइक रैलियां सारियां प्रमुख दिशावां वेलिंगटन जम्मू अते जम्मू कश्मीर शिलांग मेघालय अते अहमदाबाद गुजरात तो इक्को समें कीतियां गईआं सन आयोजित। 76वें इन्फेंट्री दिवस 2022 के मौके पर दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक विखे एक समारोह आयोजित किया गया। इस मौके CDS
जनरल अनिल चौहान ने शहीदों को श्रद्धा के फुल भेंट किए। इस दे नाल ही अज बाइक रैली भी समाप्त हो गई है। बीते दिन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर माता राणी जी के दर्शन के लिए पहुंचे सन, जिथे उन्होंने करीब 35 मिनट तक इंतजार करना पाया। इस विवाद को लेकर मंदिर कमेटी ने सोशल मीडिया से काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। इस दे नाल ही श्री दुर्गियाना मंदिर प्रबंधक कमेटी की चेयरपर्सन प्रोफेसर लक्ष्मी कांता चावला ने उन्होंने इंतजार का कारण दसदिया कहा कि इस बारे उन्होंने पहला ही सूचित कर दिया गया। केजरीवाल तो बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी कहा कि महात्मा गांधी के नाल बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई। छठ पूजा का त्यौहार आने कुछ ही दिन बाकी ने, इस तो पहला ही दिल्ली तो बुरी खबर सामने आई है। दरअसल छठ पूजा तो पहला कलंदी कुंज की यमुना नदी के जहरीली झग सामने आई है, जिस दी तस्वीर सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हो रही ने। स्थानक लोग इस लैके काफ़ी परेशान हैं, पूजा तो पहला नदी के साफ होने की उम्मीद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विरोधी धिर के नेता अखिलेश यादव ने वीरवार को राज के लोगों को चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज के त्यौहार की बधाई दी। अपने बधाई संदेश में योगी ने कहा, सनातन परंपरा के धार्मिक भैन भरा के प्यार अटूट विश्वास के प्रतीक भाई दूज के शुभ त्यौहार से राज के सारे लोगों को दिलों शुभकामनावां। प्यार समर्पण और श्रद्धा का यह त्यौहार हर किसी के जीवन के बेअंत खुशियां लेके आवे कामनाएं। हरदोई जिले के शहर कोतवाली इलाके के जमीनी विवाद को लेकर पिता पुत्र की कथित तौर पर गोली मार के हत्या कर दी गई। परिवार के 3 होर मैंबरों को भी डंडिया के नाल कुट के जख्मी कर दिया गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश द्विवेदी ने वीरवार को दसिया कि शहर के कोतवाली इलाके के बदईचा पिंड के दो धिरों के जमीन को लेकर होया झगड़ा। जगदीश टैटलर नू कांग्रेस के नवे प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे के सहुं चुक समागम के लिए गांधी परिवार ने सद्दा दिता सी। इस संबंधी भाजपा आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस से सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने एक बार फिर सिख कातल टैटलर नू खड़गे जी के सहुं चुक समागम के बुला के दिखाया है कि वह टैटलर अते कमलनाथ के किन्ने प्यारे ने। इन्हां कातलों की मदद के नाल गांधी परिवार ने 1984 के सिख कतलेआम को अंजाम दिता, जिसके नाम के वजो अज तक उन्हां दे नाल विशेष सलूक किया जा रहा है। भोपाल के वाटर फिल्टर प्लांट के वड्डा हादसा वापर गया। दरअसल शाहनाबाज की मदर इंडिया कलोनी के देर रात क्लोरीन गैस सिलेंडर लीक होने कारण इलाके दे विच हड़कंप मच गया। इस कारण इलाका वासियों नूं साह लैण दे विच तकलीफ होने लगी, अखां दे विच भी जलन होने लगी, जिसके कारण 11 व्यक्तियों नूं हस्पताल दे विच दाखल करवाउणा पिया। लोग हफड़ा दफड़ी दे विच घरां तों बाहर आ गए। तेल का उत्पादन घटाने के फैसले को लेकर अमरीका ते तेल बरामद करने वाले देशों के समूह ओपेक प्लस विचाले तनाव बढ़ता जा रहा है। हुण सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने अमरीका को सीधी चेतावनी जारी की है। सलमान ने कहा कि अमरीका के लिए अपने रिजर्व तेल भंडारा तो तेल बेचना खतरनाक होगा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को बरतानिया का प्रधानमंत्री बने नु सिर्फ एक दिन ही होया, पर हुण उन्होंने सामने एक नवी समस्या खड़ी हो गई है। सुनक का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है, जिस दे विच ओ ट्रांसजेंडर भाईचारे खिलाफ नकारात्मक जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भविष्य के खतरे की चेतावनी जारी की है। एजेंसी की रिपोर्ट के कहा गया है कि 2025 के ग्लोबल ऊर्जा निकास शिखर पर होगा। दरअसल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने वीरवार को वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी की है, जिस दे विच कहा गया है कि 2025 ग्लोबल निकास शिखर पर होगा। अमरीका के टैक्सास की एक सूबाई अदालत ने देश के पहले दस्तारधारी सिख पुलिस अधिकारी संदीप धालीवाल की हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई है। धालीवाल की सितंबर 2019 के ड्यूटी दौरान गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस बार दिवाली के जश्न लिए हवालगी का सामना कर रहे 3 विशेष भारतीय मूल के नौजवान मेहमानों व्हाइट हाउस के सद्दा दिता है। उन्होंने खुद राष्ट्रपति ने सद्दा दिता है। इस कदम के राष्ट्रपति बाइडन डिफॉल्ट एक्शन लीगल चाइल्डहुड अरवल नाल एकता का संदेश भेज रहे हैं। एलोन मस्क ने अपने 44 बिलियन ट्विटर एक्वायर सौदे तो पहला बुधवार को सैन फ्रांसिस्को दे विच ट्विटर दे हेडक्वार्टर का दौरा किया है। इत्थे वह हत्था दे विच पैरसलेन बैसिल लैके दफ्तर दे हाल दे विच सैर करते दिखाई दिते गए। CNN की रिपोर्ट के अनुसार मस्क ने एक वीडियो ट्वीट किया जिस दे विच उसने अपनी यात्रा को एक अनुभव दसिया है। सुई मुक्त ओरल वैक्सीन दुनिया का अपनी किस्म का पहला बुधवार को चीन के शहर शंघाई में लॉन्च किया गया। शहर के एक अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई है। घोषणा के अनुसार टीका मुंह द्वारा लगाया जाता है।
चीन के शंघाई शहर के बुधवार को मूंह राही ले जाने वाले सुई मुक्त वैक्सीन लॉन्च की गई है, जो कि दुनिया का पहला एंटी कोविड वैक्सीन है। शहर के एक अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई घोषणा के अनुसार यह टीका मुंह द्वारा लगाया जाता है। हिजाब पहनने तो इनकार करने ते ईरानी पुलिस द्वारा मारी गई मुटियार महशा अमीनी की मौत के 40वें दिन देश भर के कई शहरों के लोग फिर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनों ने रोकने के लिए तेहरान के दंगा विरोधी पुलिस तैनात की गई है। नॉर्डिक मॉनिटर ने अपनी रिपोर्ट के खुलासा किया कि तुर्की ने भारत और अमरीका के खिलाफ साइबर फौज बनाने पाकिस्तान की मदद की सी। तुर्की के दुवल्ले समझौते के तहत पाकिस्तान गुप्त रूप के साइबर फौज स्थापित करने के मदद की गई है, जिसकी वरतों घरेलू राजनीतिक टीचों के लिए की जाती सी। पंजाबी अदाकारा नीरू बाजवा इन्हें दिन अपनी भैन और अदाकारा रूबीना बाजवा के विआह में घूम रहे ने। नीरू की खुशी उन्होंने वालों शेयर की तस्वीरों के साफ झलक रही है, जिन्होंने देखने तो बाद भी अपनी नज़र उन्होंने तो नहीं हटा सकोगे। नीरू के इस अंदाज़ को उन्होंने फैंस वालों काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। विआह के बंधन च बजे रूबीना ने गुरबख्श रूबीना बाजवा ने गुरबख्श चहल के नाल लिया लावं। दोवें ने बीते दिन 26 अक्टूबर 2022 विआह रचाया। प्रशंसकों के लंबे इंतजार तो बाद प्रियंका चोपड़ा की दिवाली सैलीब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रियंका ने पति निक जोनस से बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के नाल त्यौहार मनाया है, तो सोशल मीडिया से तस्वीर शेयर कीतियां ने। अदाकारा सारा अली खान और विक्की कौशल की फिल्म द अमर अश्वथामा लंबे समय तो चर्चा के विच है। सारा अली खान हुने विक्की कौशल के नाल इस फिल्म के नज़र आएंगे। मेकरस की मनीए तो फिल्म के विक्की के नाल एक अजिही अभिनेत्री नु कास्ट किया जाना सी जो उस तो वड्डी लगती सी, अते मेकरस नु सारा दे विचों चीज़ नज़र आ रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान डेंगू तो ठीक होने तो बाद वीकेंड द वार दे एपीसोड की मेज़बानी करने लिए वापस आ गए ने। इस एपीसोड दे विच बिग बॉस 16 दे विच कैटरीना कैफ के नाल सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भी सैलीब्रिटी गैसट के रूप दे विच नज़र आएंगे। पिछले हफ्ते करण जौहर नू वीकेंड द वार दे एपीसोड नू होस्ट करते देखा गया सी, जदों सलमान खान डेंगू तो पीड़ित सन। चीन के सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस के 5 साल बाद उतों के शेयर बाजार के वड्डी गिरावट देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्टा मुताबिक विदेशी निवेशक आने वाले समय के चीन के वड्डे पद्धर से विक्री कर सकते हैं। दस दी कि पिछले दिन चीन ने अपने कुल घरेलू उत्पाद के अंकड़े देर के नाल जारी करने का ऐलान किया। दुनिया की प्रमुख FMCG कंपनी यूनिलीवर ने डव सने कई मशहूर ब्रांडा के एरोसोल ड्राई शैंपू तो उत्पाद वापस मंगवा ले ने। कंपनी के कई शैंपू ब्रांडा के बेंजीन ना का खतरनाक कैमिकल पाया गया है, जिसके नाल कैंसर होने का खतरा है। इसके मद्देनज़र कंपनी ने अमरीकी बाजार तो डव नैक्स सुएल टिगी ट्रेसमेन एरोसोल सने कई डाई शैंपू वापस मंगवाए ने। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वैबसाइट पर पोस्ट किए गए नोटिस के अनुसार वापस बुलाए गए उत्पादों के नैक्स सुएव ट्रेसमेन टिगी वर्गे प्रसिद्ध ब्रांड शामिल ने, जो कि रुकाहोलिक बैंड हैड ड्राई शैंपू बनाते हैं। बढ़ती महंगाई के विचकार इस त्यौहारी सीजन उच्च मध्य रेंज के उत्पादों की मांग ने खपतकार टिकाऊ और रोजाना वरतों वस्तुओं की विक्री को हुलारा दिता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अपलायंस मैनुफैक्चर एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट के विच कहा है कि खंड की विक्री के 20% और मूल के रूप के 30% तो वाधा होने की उम्मीद है। घरेलू शेयर बाजार के फ्यूचर ट्रेडिंग की म्याद खत्म होने पर वीरवार को पल्ले पद्धर तो दबा देखा गया। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी बेंचमार्क हरे निशान से बंद होने के सफल रहे, जबकि बाजार में सुधार होया और कारोबार बंद होया। सेंसेक्स 212.88 अंक के वाधे के 59756.84 अंक से बंद होया। वीरवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 60 पैसे मजबूत होकर 82.14 के पद्धर से पहुँच गया। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा के डॉलर के मुकाबले रुपया 82.15 से खुलिया। पिछले बंद के मुकाबले रुपये ने 60 पैसे की मजबूती दिखाई है। इस तो पहला मंगलवार को रुपया 7 पैसे की मजबूती के नाल 82.81 से बंद होया। बुधवार को दिवाली बल प्रतिपदा के मौके पर विदेशी मुद्रा बाजार बंद रहा। T20 विश्व कप की मौजूदा चैंपियन आस्ट्रेलिया को इंग्लैंड खिलाफ अहम मैच तो पहला वड्डा झटका लगा है। एडम जंपा श्रीलंका के खिलाफ मैच तो पहला कोरोना संक्रमित हो गए सन। हुण इंग्लैंड के खिलाफ मैच तो पहला विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू फैड भी कोरोना संक्रमित पाए गए ने। उन्होंने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिहे आस्ट्रेलिया अगले मैच के मुश्किलों का सामना करना पै सकता है।
टी20 विश्व कप का 22वां मैच दक्षिण अफ्रीका ते बंगलादेश विचाले खेडिया गया है। सिडनी दे विच ग्रुप दो दे इस मैच दे विच दक्षिण अफ्रीका ने 104 दौड़ा दे नाल जीत दर्ज की है। टॉस जीत के पहला बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरां दे विच 5 विकटां ते 205 दौड़ा बनाईया गई। जवाब दे विच बंगलादेश की टीम 16.3 ओवरां दे विच ही 101 दौड़ा ते ढेर हो गई। भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप दे विच नीदरलैंड के खिलाफ खेडना है। इस तो पहला खाने नू लेके झगड़ा होया सी। टीम इंडिया के खिडारियों ते अभ्यास सैशन तो बाद ठंडा भोजन देने का दोष है। इस दे नाल ही टीम ने 42 किलोमीटर दूर जाके अभ्यास करन तो भी इनकार कर दिता सी। इस विवाद ते खेड मंत्री हुण अनुराग ठाकुर ने कहा है कि यह गलत है ते जिहा नहीं होना चाहिए। आस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड नू इस ते गंभीरता दे नाल विचार करना चाहिए। टी20 विश्व कप 2022 दे विच मीह ने हुण तक कई टीमां दी खेड खराब कर दित्ती है। हुण भारत अते नीदरलैंड विचाले होए मैच विच भी मीह अड़िका बन सकदा सी। इस टूर्नामेंट दे विच भारत दा पहला मैच पाकिस्तान दे नाल सी अते इस मैच दौरान भी मीह पैण दी संभावना सी। हालांकि मैच तो पहला मेलबोर्न दा मौसम साफ हो गया अते पूरा 40 ओवरां दा मैच देखण नूं मिलिया। पंत दी प्रेमिका ईशा नेगी ने हाले दे विच अपना यूट्यूब चैनल शुरू कीता है। जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ते दित्ती है। इस दे नाल ही उन्होंने अपने प्रशंसकों तो इस चैनल बारे सुझाव भी मंगे ने। उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया ते अपने चैनल बारे समझाया ते लिखिया, मेरे चैनल ते पहली यूट्यूब वीडियो हुण देखो ते टिप्पणी भाग दे विच अगली वीडियो का सुझाव भी दिओ।